एम्स भुवनेश्वर उड़ीसा में ऑनलाइन अपॉइंटमेंट कैंसिल करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए। आज हम आपको बताएंगे किस तरीके से आप आयुर्वेद डिपार्टमेंट में अपॉइंटमेंट को कैंसिल कर सकते हो। वापस स्वागत है आपका टीवी हेल्थ में। दोस्तों आज हम बात करेंगे एम्स उड़ीसा भुवनेश्वर की। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे किस तरीके से आप अपने अपॉइंटमेंट को कैंसिल कर सकते हो। दोस्तों बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, आप दोबारा अपॉइंटमेंट लेना चाहते हो इसलिए आपको ये वाला अपॉइंटमेंट कैंसिल करना होगा, या कुछ और भी रीजन हो सकते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में आपको बताया जाएगा बहुत सिंपल स्टेप्स है, जिसमें आप अपने फ़ोन नंबर का इस्तेमाल करके अपने अपॉइंटमेंट को ईजी तरीके से कैंसिल कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपने किसी भी सिस्टम में, चाहे आप फोन में, ब्राउजर में, ओपन करना है आपको गूगल, टाइप करना है AIIMS, एम्स टाइप करना है आपको, एम्स और सर्च कर लेना है। कोई दिक्कत नहीं है, दिल्ली आ गया है, लेकिन आप एम्स की वेबसाइट पर सीधा आ जाओगे। यहाँ पे आने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा अपॉइंटमेंट्स का, जिस पे आपको करना होगा क्लिक। और जैसे आप अपॉइंटमेंट्स में क्लिक करोगे, आप आ चुके एक नई वेबसाइट पे जिसका नाम है ors.gov.in। दोस्तों आपकी सुविधा के लिए दोनों ही वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहो तो वहाँ पे क्लिक करके सीधे यहाँ पे आ सकते हो। और यहाँ पे आने के बाद आपको, जैसे आप ors.gov.in पे आओगे, तो उसके बाद आपको ये पॉपअप को हटाना होगा और यहाँ पे आपको एक बटन मिलेगा जिस पे लिखा होगा बुक अपॉइंटमेंट नाउ। इस पे करेंगे हम क्लिक और ये हमें मिलेगा इस तरीके का डैशबोर्ड, जो हमारे इंडिया का स्टेट का लिस्ट है। हम इसमें करेंगे सिलेक्ट उड़ीसा को। आप अपने हिसाब से किसी भी स्टेट को सिलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी स्टेट के जो एम्स हॉस्पिटल है सभी का प्रोसेस सेम है। तो आप, हम आते हैं उड़ीसा में और यहाँ पे आपको मिल जाएगी एम्स भुवनेश्वर उड़ीसा, इस वाले हॉस्पिटल को हम करेंगे सिलेक्ट। और यहाँ पे आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा कैंसिल अपॉइंटमेंट का, जिस पे आपको करना होगा सिर्फ क्लिक। और जैसे आप करोगे क्लिक, यहाँ पे आपको दोबारा से चीज़ें सिलेक्ट करनी होगी। जैसे आपका स्टेट हो गया, ये उड़ीसा हो जाएगा, उड़ीसा, ये रहा उड़ीसा। और फिर यहाँ पे आपको हॉस्पिटल मिलेगा एम्स भुवनेश्वर उड़ीसा। मोबाइल नंबर, यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे जिसमें से आप किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। हम करेंगे मोबाइल नंबर का इस्तेमाल, तो करेंगे मोबाइल नंबर डाल देंगे यहाँ पे। फ़ोन नंबर डालने के बाद कैप्चा फिल करेंगे, प्रोसीड कर देंगे। और हमारे फ़ोन में OTP आ चुका है, OTP को यहाँ डालेंगे और वेरीफाई कर लेंगे। आपको इस तरीके का डैशबोर्ड दिखेगा जहाँ पे आपकी पर्सनल डिटेल्स होंगी, आपका अपॉइंटमेंट ID, मोबाइल नंबर, अपॉइंटमेंट डेट, ये सभी चीज़ें यहाँ पे आप शामिल होंगी। लेकिन आपको कैंसिल करना है तो आपको एक्शन के नीचे रेड कलर का ऑप्शन दिखेगा, ये वाला जहाँ मेरा कर्सर है, इस वाले पे, यहाँ पे आपको करना होगा क्लिक। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे, आपके सामने तुरंत एक पॉपअप आएगा जिस पे लिखा होगा डू यू वांट टू कैंसिल योर अपॉइंटमेंट, यानी कि क्या आप अपने अपॉइंटमेंट को कैंसिल करना चाहते हो। और जिसके लिए हम इस वीडियो में बैठे हैं, तो हम कर देंगे ओके पे क्लिक। और जैसे आप ओके पे क्लिक करोगे, तुरंत आपके पास सेकंड पॉपअप आएगा जिस पे लिखा होगा योर OTP इज सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, यानी कि जो हमारा मोबाइल नंबर है उस पे OTP आने वाला है, हमें बस ओके पे क्लिक करना होगा। जैसे मैं करूँगा ओके पे क्लिक, तो मेरे फ़ोन में आ जाएगा OTP कुछ इस तरीके से, और OTP को डालूंगा मैं यहाँ पे और कर दूंगा वेरीफाई। और जैसे वेरीफाई किया, लिखा गया अपॉइंटमेंट कैंसिल्ड सक्सेसफुली, तो हमारा अपॉइंटमेंट जो है वो सक्सेसफुली कैंसिल हो चुका है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके मन में अभी कोई क्वेरीज है तो प्लीज़ कमेंट में लिखना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आप मिस ना कर पाए कोई भी लेटेस्ट अपडेट।